पंखा हवा देता है, अगर करंट ना हो तो फिर कैसे दे? वो करंट की तरफ किसी ख्याल ही नहीं, वो देखने वाली चीज है। देखो ये करंट ना हो तो चल सकता है, बस वो करंट सबसे अंदर वो दिखने वाली है। उसको राम नाम कह लो, सदगुरु कह लो, जो धर्मदारी सदगुरु कह लो, बस वो देखने वाली है। कुछ चीज है जिसमें काम कर रही है, दूसरे की शिफ्ट की, फलाने आदमी ने फलानी चीज बनाई तो चांद तारों पे चढ़ गया, अगर उसके मुंह से वो निकल जाए तो कैसे चढ़े? उस तरह की ख्याल ही नहीं। माटी माटी नू देखन चाली माटी माटी बाग बगीचा माटी माटी गुलजार माटी बाग बगीचा माटी माटी गुलजार माटी माटी नू देखन चाली माटी बहार माटी बदू करेंगे यार माटी बदू करेंगे माटी बदू करेंगे यार माटी बदू करेंगे वो शब्द शब्द कह लो नाम कह लो उस रूप में सब तुम्हें जिंदगी ताकत दे रहा है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश नाम के दार सब जान नाम के दार खान ब्रह्मांड वो देखने वाली है, वो कर्म करने वाली है, वो सुख देने वाली है, जिसके मतलब गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है जागत ज्योत जपे निवास एक बिना मन में एक नाम उदारती जो सबके अंदर काम कर रही है। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे बत गोर मरी नथ मूल न माने तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना ने एक पिछाने उन झगड़े फिर पड़े हैं। पूर्ण जो जगे कट में तब खाजा देना खाजा जाने यहां से मारी शुरू होता है। वो देखने वाली चीज है, वो काम देने वाला है। आपके धर्मदारी मेरा सदगुरु आपके खेल खिलाड़ी हो, गर्म मंदिर का तंबू तनाया धन गलीचा दारी हो, चांद सूर्य दो मसाल बना दी तारों की कलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगा दे आपने खुद माली हो, वो देखने वाला है। हाँ हाँ जी, जितने ग्रंथ शास्त्र हैं वो सब कहते हैं उसको देखो और पढ़ने पढ़ने हो जाए सारे। हाँ जी ब्रह्मदास सुनाते हैं हर की पूजा लंबा संतो कहना किसी ने जाई भक्ति क्यों करते हैं क्यों पूजा करते हैं कि हमारे जन्म के बन छूट गए जहां से वहां पहुंच जाए अंदर शांति आ जाए। इसके लिए हमने बड़े उपाय किए कि जप किए कि तप किए कि यज्ञ किए कि योग किए कि पुण्य किए कि दान की छुटकारा हुआ। सोच लो 88,000 साल तक कौन हरी बने मन भी कब बनाया। इसका मतलब यह है हमारा पूजा का ढंग भी ठीक नहीं, बड़े बड़े पाठ किए यज्ञ किए योग किए हर की पूजा दिलम संतो कहना किसी न जाए। कैसे सारी दुनिया मन की पूजा करती है, जो असली पूजा है वो मिलने दुर्लभ है मुश्किल है, वो कहने कथने से परे है। उनको सब तजर्बे थे, बहुत साल के उन तक जाप ताप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, फिर गोविंद साहब की शरण में आए, कड़ी से कड़ी सेवा की, रातों तिल्ली से केस बांधते हैं, फिर ये नतीजा निकाला है। हम तो बातें करते हैं संत की सुन साची साठी गो बोलेंगे देखते हैं कि दादी देखा दीदा सब कुछ रस मिलता सुना सुना पड़े प्रारंभ तो क्या कहते हैं
संतो गुरु पूरा पाई नाम पूछ कराई, नाम को प्रकट करना ये असली पूजा है। वो नाम एक शक्ति है, लिखने पढ़ने की चीज नहीं। नाम को धारे सर ले जाना, नाम के धारे खंड जाना, नाम के लफ्ज तो नहीं बढ़ा सकते, वो कोई चीज है, शक्ति है। नाम डोरा गुप्त तो नहीं जानता, निच्छे निरूप जिस नहीं आता, चिहन बनू छाया माया नाम नाम शब्द पहचाने, तो लिखने पढ़ने से परे है। इस दुनिया की चीज ही नहीं, उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है। उसको प्रकट करना, उससे पलक जोड़ना ये असली है। सब सब तक विचार उपाधि से पूरी कम से कह नानक एक राम नाम बिन अवर सब दी, बाकी नीचे दर्जे की है। बाकी का फल है अच्छी जून मिल जाएगी, सुख तक पहुंच जाएगा, लेकिन जन्म के बंद नहीं छोड़ेगा, सिद्धियां भी आ जाएंगी। पढ़ते भी हैं जी अरल नाम का अवर जी कन पावन भाव जाम का पंखी होती जे भवन सह समानी जाओ नदी किसी ना भी ना पिया ना खाओ भी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़ा का ना, वो बड़ी अच्छी चीज है। ये असली भक्ति है, जिसके में काम करे ताकत उसको देखना, हाँ जी उसको प्रकट करना। वो करंट है, वो वेव है, रेडियो स्थिति सब जगह है। चंद सुगम वर्त प्रभ तेरा चंद से नाम बता लें, सब में शब्द वर्त प्रभ सच्चा कर्म मिले बता लें। हाँ जी चार वेद के व्यास में अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति कौन सी, राम नाम प्रसार रमे हुए नाम की। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग अरदान चरणदास कह अच्छा भी थोते जान। कई बार जो यज्ञ करे योग करे चितलाए चरणदास का नाम बिन सब जता ले जाए। कदम करेंदे यार माटी कदम करेंदे, कदम करेंदे यार माटी कदम करेंदे। हस के डुमुड़ माटी होई माटी पाऊं बसाए, हस के डुमुड़ माटी होई माटी पाऊं बसाए। दुल्हे शाह बजारे बुझी लाश रों पोए पार माटी कदम करेंदी यार माटी कदम करेंदी, माटी कदम करेंदी यार माटी कदम करेंदी। सच्चा मालिक जो सबके अंदर बैठा सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, उसका रूप क्या है, शब्द नाम। इस रूप में रेख अनाहत बाध्य शब्द आपकी है, सबके अंदर है वो सच्चा मालिक। सबके अंदर बैठा जो जिंदगी और ताकत दे रहा है, सबके प्रति पालना कर रहा है, पत्थर में कीड़े को भी देता है, जरूर जरूर इस्तेमाल करता है, सबका एक ही है।
ये नहीं कि हिंदुओं का और मुसलमानों का और ईसाइयों का और सिखों का और सबका एक ही है। मिलता कैसे है? गुरु सेवा से शब्द पिछाता। सदगुरु सेवा क्या है? रात दस की थी सदगुरु सपना देखो फिर चितलाए, बंधन तोड़े मुक्त हुए सच रह सुनाए, तमन के बंधन तोड़े अंदर जाए सबसे तुलक जोड़े, ये उसकी सेवा है। बंधन को शब्द को प्रयोग करता है फिर वो मिलता है। वो शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज है? शब्द दो किस्म के हैं, एक तो वर्णात्मक से विभिन्न पढ़ने वाले, चाहे पंजाबी है चाहे हिंदी है चाहे अंग्रेजी है चाहे फारसी है, दूसरा ध्वनात्मक वो मालिक कुदरती आवाज है। लिखने पढ़ने से परे है, चिन्ह बनी छाया माया नाम शब्द पिछाने, शब्द 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 तो कहे बैठ शब्द दे जीता पर आवे नहीं निर्भर कर ले। नाम डोरा तो कोई नहीं जानता, नेचर में रूप जिस नहीं आता। वो रोग रोग में लगा हुआ है गुनान साहब, लेकिन कुछ गए बामी में ठप की मिला, वो कर्म धर्म था। गुनान साहब को माया में मिठा, सच्चे नाम की भक्ति के बगैर जीव का कल्याण नहीं छुटकारा नहीं। सच्चा नाम क्या चीज है? सच्चा नाम एक मूल्य वस्तु है जो कहने से परे है। तुम कुछ तो बताओ, बताने की चीज ही नहीं, अनुभव की चीज है। तुझे कैसे पता चले? एक तक ले गए कहने गए ख्याल अंदर रख, अब कर्म धर्म से हृदय साफ हो जाता। हृदय साफ था तर तो जो भी तो कहने लगा, मुझे ऐसे मालूम होता है कि मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं। रोम रोम का नाम सगुर पूरे की निदान, वो नाम है वो शब्द है लेकिन पढ़ने से परे है। अगर उससे तलब पड़ जाए शब्द मालिक से तलब पड़ गया, शब्द मिले कहा मिले सेवक उपसर था शुद्ध शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कभी कहा देखिए बैठा पुरुषमा सारी दुनिया बाहर जब जब के मागी, उस शब्द का पता ही नहीं। प्राणी हर जब जन्म दियो सात शब्द में कब न छूट इस बिथ था जन्म देव रोमदास पहले जपते रहे फिर वो सब की शर्म में आए, फिर हम तरीका बताया ऐसे कारण ऐसे श्रवण करके, हाँ फिर उस शब्द से तल्लु पड़ता है नाम से तल्लु पड़ता है। हाँ हाँ जी नौगत ठाकुर ताप्त रहा है दसवीं नीच कर बादशाह पाए, वो तो अनहद शब्द वजह दिन राति गुरमुक्ति शब्द सुना बने हैं। इस मंदिर के नौ दरवाजे हैं, दो आंखों के दो कानों के दो नाक के छह एक मुंह पर सात बटे टिपशाप इनको बंद करे। नंबर ठाके ताक रहा है ये मन जो बात का दौर से इसको रोक एक मिनट ही टिकता है, मन किन किन भ्रम भ्रम बाधा है तिल गल वासने का, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, इसको रोकते हैं। नंबर ठाके ताक रहा है दस में निक कर वास सब पाए, मैं ख्याल को टका है उसे अंहर शब्द वजी दिन राती दिन रात नल की दरवाजे से आवाज आ रही है, क्या बचत ये ले चलो। सुना कैसे जाता है? गुरमुक्ति शब्द सुना रहे हैं, कोई गुरमुख वाला फकीर मिले जो मालिक की दरगाह में गया है उसके जरिए सीखा जाता है। अंदर भी निकल धोते हैं बिखरे दावन मेरे सदगुरु सुख सह सिद्धि कर जाते हैं, ये सदगुरु ने अपने हाथ में रखा है। आगे तिरफी खुला है क्यों गुरमंत्र की सिर्फ श्री सहज मिले सुख हो रहे यहाँ निकल शब्द है इसलिए पकड़ी जाती है। हाँ वो सुख लगाते हैं ऐसे कार भाई। हाँ हाँ जी जीवन साचा शब्द पछाता अमर पद शाही
ये हमारी दुनिया बदलती रहती है, इस बादशाही बदलती रहती है, इस कानून बदलते रहते हैं। वो सच्चा मालिक एक ही है, उसकी बादशाही अटल है, उसका कानून अटल है, उसी कानून के जरिए दुनिया बनी, उसी जरिए चल रही है। सच में वही कानून था, त्रेते में वही था, द्वापर में वही था, कल्ज में वही है। शब्द कहो, कानून कहो, नाम कहो, उसके जरिए सारा काम हो रहा है। वो उसका अपना बनाया हुआ है। हर नाम श्री प्रभु आए, कली काल विच गुरु हो पाए, किसी संत महात्मा बनाया नहीं, बल का बनाया नहीं। ये लफ्ज बदलते रहे हैं, वो बदलते नहीं। जो पंजाबी गुनाम सख वक्त थी वो अब नहीं, जो अंग्रेजी सख वक्त थी वो अब नहीं, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं। फिर दे नाम सदा तो नीचे कठिन की पाई बाहू, ये कलमा सन यार पढ़ाया जरा मैं उनका लमा हूं। यही ईसा ने कहा, विग्रह फेद दिखला भी फेद बट द वर्ड ऑफ अवर गॉड शैल स्टैंड फॉरएवर। घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, ये फुला का कलम सीते रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। उसी के जरिए दुनिया बनी है, उत्पत्त पहले शब्द हुई, शब्द ही फिर उत्पत्त हुई। जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाना है, शब्द के जरिए जाना है। एक ही रास्ता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो मालिक सबका एक है। हिंदू मुसलमान सिख उसी के बच्चे हैं, सबकी पैदाइश का जरिए एक ही है, मौत का जरिए एक ही है। तो मालिक के मिलने के दो रास्ते हैं, एक काल लेना है जाने शब्द मेल मनाया। हाँ सो जन निर्मला जिन आप पछाता आपे आए मिले आ सुख दाता। सो जन निर्मला जिन आप पछाता आपे आए मिले आ सुख दाता। दुनिया में कौन है पाप कौन है, किसको मालिक मिलता है? जो अपने आप को पहचानता है। जब तक अपने आप का पता नहीं, मालिक को कैसे जान सकता है? कौन आने दिन आपका चीनी मिट्टी में धर्म की खाई, नो बाई सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को कम कब पहचानता है? यानी तो बंदर में फंसा पड़ा है, माँ के बाप के बहन के भाई के कमों के मर्दों के जमीनों के जयदादों के बेलो पीतों के काम के क्रोध के लोभ के मोह में बंधनों को तोड़े, आगे नाम के तीर्थ में नहाए, फिर होश आती है। अभी मैं कौन हूं उस वक्त अगर सूर्य ना हो, देख सकते हैं एक सूरज के लिए, इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है, 12 बार्स उग्र सूर अंश बाजे अंतूर। ये बंधन तोड़े फकीर, ये बंधन तोड़ाने के लिए आते हैं। ये बंधन तोड़ चल अंदर से निकल करके सारे ख्याल निकाल, जो भी ख्याल निकालता जाएगा मालिक के घर का रास्ता मिलता जाएगा। तू सभी खाली तो जिक्र खुदा राह या भी दर हरी में केवरी है। जब तू मालिक से मुकर करके सब ख्यालों से पाक होता जाएगा, मालिक के रास्ता मिल जाएगा। जब सारे ख्याल निकले, ख्याल तो पीछे इकट्ठा हुआ, यहां से नाम शुरू होता है। यहां सतगुरु जिन फकीरों से काम लेते उसी रूप में मिलता है। सफल दस संतन का यह ध्यान धरना, अकाल मूर्त सा संतन की ठहरने की ध्यान को, हर का चिन्ह से हर जन का हर अपने जन में आप देते हमारे समझाने के लिए
काम करने वाला तो शब्द गुरु ही है, फिर इसको पकड़ाता है, ये शब्द पकड़ भाई चल अपने घर। हाँ हाँ जी सोजर निर्मला जिन आप पछाता आपे आए मिले सुख दाता। यहाँ तक आना ये गुरु भक्ति है, आगे सदगुरु का काम है वो लिखी जाता है हिसाब से। हाँ हाँ जी रसना शब्द रति गुण गावे रसना शब्द रति गुण गावे दर्शाचे बदबाई है। अगर एक दफा पहले पढ़ जाए शब्द से उसमें ऐसी लज्जत है चाहे नीचे का है दुनिया की तरफ मुंह नहीं करता। खरीदा शक्कर खंड नवा त्रोड़ माखन मजा दुध सभ्य वस्तु मिठे रब न पुजन उसके मुकाबले कोई मीठी चीज नहीं। वो सीधी सड़क है चाहे नैली सड़क है अगर उसको पकड़ ले फिर आगे आगे चलता है। पूछा किस पुरखा जन्म बताया काहे को तू ए मन लाया किस विध आशा मनसा खाई किस जोर निरंतर पाई। क्या महात्मा तेरा जन्म कैसे खत्म हुआ तेरी आसक्ति कैसे खत्म हुई तू कैसे दंश बना कैसे मार्ग की दिशा में गया। उन्होंने फरमाया सतगुर के जन्म में गर्व मताया अनहद राते ही मान लाया। जब कोई सतगुर मेरे जी के काम से मिला उसने मेरे अंदर नाम का बीज पाया जिसको हम कहते जिया दान इनिशिएशन बैठ होना नम जपा वो सतगुर का जन्म है फिर जपा तो आ गया। सदगुरु के जन्म में गर्व मिटाया अनहद राते ए मन लाया उस आनंद में ऐसी लज्जत पाया है कुछ छोड़ने को दिल नहीं करता है। आशा कृष्ण शब्द दिलाई सब आशा खत्म हो गई तुम जो अंतर पाई मैं गुरु होंगे मैं तिरान पहुंच गया। यही मुरंग साहब के पैदा मुसलमान आया तो उन्होंने फरमाया अल्लाह अगर खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के कंधे मुसाफिर ए दरवेश मालिक तलाश करने वाले अल्लाह अगम क्या मन बुद्धि परे ऊंची सुन से परे से परे है क्या मिलता है छोड़ ख्याल दुनिया के कंधे सारे ख्याल निकाल दे। नाम जैसे पूछा गया तेरा बेटी कहा जाता है तो लोग पता सब से तोड़े तो अपनी बेटी आ गए देखता है उसके लिए क्या कर हो क्या खाक फकीर मुसाफिर ये दरवेश भूल दरा इस फकीर की शर्म में जा मुसाफिर क्या जो रूहानी मंडल में सफर करता है वो तुम्हें रास्ता बताएगा उस रास्ते पे चल सच नमाज फकीर मसल्ला मनसा मार मार वासा। मुसलमान नमाज पढ़ते मसल्ले पे बैठ के कौन सा मसल्ला अकीम का भरोसे का उनको पूरा भरोसा रख फिर वो नमाज पढ़ जो समय बताते हैं वो कर छोड़ सिमी करने से कम होने लग जाती है वो दे मसीत मन मौलाना कहां पढ़ते नमाज मसीतों में कौन पढ़ते मौलवी ये मसीत है इसमें बैठ के पढ़ मन लगा कर पढ़ ये ना मन कहीं है तू कहीं है अगर तू ऐसे समय करे कर्म खुदाई पा कर वो पार कलमा खुदा जिसको नाद कहते हैं शब्द कहते हैं नाम कहते हैं वाणी कहते हैं वो तुम्हें सुनाई दे वो तेरे घर का रास्ता है। हाँ जी हाँ जी रसना शब्द बाकी जितनी भक्ति है नीचे दर्जे की है नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उड़ले बिहारा जात से मिले खंड मोक्ष सो मार्ग है नारा काल जाल से बंचर जाहो गहो शक्कर सारा
कहने के लिए रावण का रखो जो प्रकट सारा एक शब्द की भरपूर छुड़ाने वाली है। हाँ जी हाँ जी रसना शाबादा रति गुण गावे दर्शाते पत पाई है दर्शाते पत पाई है गुरमुख ना किसको मिलते गुरमुखों को जितन का प्यार छोड़ेंगे स्वीकार छोड़ें अंदर जाए बंधन तोड़े हम सब मन मुखा है मन कौन है से मन से शब्द न पिछाने गुरु के पैर की सार न जाने मन हुआ है दिन शब्द को प्रवे नहीं करते दुनिया कम दूजे पड़े हैं एक दूसरे की निंदा करते हैं चुंगियां करते हैं पाप करते हैं एक दूसरे गले काटते हैं और झगड़े में पड़े हैं जमीन जगह कम मजमन जड़ों में पड़े हैं अंदर नहीं जाते वो मन मोह है। हाँ हाँ जी गुरमुख नाम मिले वाले आई मनमुख निंदक जात जाते मज नहीं बनाए वो तो कहते मानस जात से देख के पहचान लो सब की एक ही जात है सब एक ही बाप के बेटे हैं ये बाद में बनी है मात्र प्रस्थ में बनाई है। हाँ हाँ जी सुख पढ़ते हैं कई जन्म का कीट पतंगा कई जन्म का मीन करेंगा कई जन्म पंख जब कीड़े पतंगे बने तो कौन सी जात हुई सोच लो पता नहीं कहाँ जाएंगे किस किस कौम में से आए हैं श्री रामचंद्र जी और कुशवाहन एक थे कौन क्या था सूर्यवंशी उनकी चंद्रवंशी फिर कौन सी कौन हुई कौन सी जात हुई ये बाद में बनी है। हाँ हाँ जी नाम रते परम हंस बरागी कि नाम की रौद किसको मिलती है नाम के रंग में कौन रंगे जाते हैं बैरागी प्रेमी घर बार छोड़ने का नाम बैराग नहीं बैरागी वो है एनिस अंतर है ध्यान सो बैरागी सत्समान जिस वक्त ख्याल अंदर है मन की तरफ है जो मन मारा है अपना सुपुर्ख बैरागी राम जो मन को मारता है इंद्रवास करता है वो असली बैरागी है वो असली हंस है। हंस का काम क्या है दूध और पानी मिला के दे दो दूध पी लेगा बाकी छोड़ देगा शीर रूप नाम है नीर रूप व्यवहार हंस रूप को सारा पत्ता छननार ये दुनिया दूध और पानी का समुद्र सीता से चल रही है अभी सुनाया था कोई चीज है जो इसके अंदर काम कर रही है फूल की तरफ सबकी निगाह है लेकिन उस तख्त की तरफ किसी की नहीं उसको प्रकट करना ये दूध पीना है वो हंसा है हमारे शहद की मक्खी भी अच्छी है नींद पे बैठी है आग पे बैठी है गुलाब पे बैठी है मिठास मिठास चुन आती है बाकी ये हंसों का काम है। महात्मा चंद्रदास कहते हैं बगला हंसा रूप एक भिन्न भिन्न सुभाए हंसा तो मोती चुगे बगला मछली खाए के हंस और बगले दोनों समुद्र में रहते हैं
दोनों की शक्ल एक है। जो बगले हैं वो मछलियां खाकर पड़े हो जाते हैं ऊपर ऊपर से, जो हंस को नीचे डुबकी मारते हैं मोती लाते हैं वो चुनते हैं। इसी तरह हम सब बगले हैं, बाहर बाहर के विषय करो इंद्र गुजार के चले जाए। हंस वो है जो जिंदा मरता है डुबकी मारता है, वो हंस है वो नाम को प्रयोग करता है। हाँ हाँ जी हंस तारी लाई मालिक का शब्द। सदगुरु का रूप क्या है? शब्द। इस रूप में रेख अनाहत बाध्य शब्द ने निनाद किया, विश्व रूप में जरे जरे को ताकत दे रहा है, वो रेडियो वेव इसी तरह सब जगह है। यहाँ रेडियो वेव्स हैं हम सुन नहीं सकते, ये रेडियो स्विच लगाते हैं सुन लेते हैं। इस तरह वो हुक्म कहो शब्द कहो नाम कहो रेडियो वेव की सब तरह है। चौंतीस हुक्म वर्त प्रभ तेरा, चौंतीस नाम पतालन, सब में शब्द वर्त प्रभ सच्चा तल मिले बतालन। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, कब सुनती है? जब उतना सूक्ष्म हो गए कोये तीस रुचि को जाने सोए। जब सारे ख्याल निकाल दे, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, फिर उस शब्द से तुलिप पड़ता है। इसका नाम कहते हैं जिंदा मरना। जीत मरे मरे तुम जीते ताम खंतर पाए, मियाँ जित कर जाइए तित जीव दे मर मार। कब्रों में जाना नहीं, मौत की घाटी बूर करके आ जाए, जब मर्जी आ जाए जब मर्जी चला जाए। इसका नाम कहते हैं जिंदा मरना। दादू पहले मारो पाछे मेरे सब को है, मतू की बुलंद मतू मरने से पहले मार। अगर ये मरना सीख जाए तो सदर की जिंदगी मिल जाए। मरने पे सब जग डरे, जीन दिन सब को है, गुरु प्रसादी जीत मरे हुक्म मुझे सोए। नान कैसी मानी जो मरे तो सजीवन होए, तो मेरा दोस्त पे सद मर गए जिंदगी। अरे दोस्त मरने से पहले मार तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी, ख्याल निकालने हैं बस यही है। इसका कहते हैं जिंदा मरना, और कब्र में जाना नहीं। मरता मरता जगमुआ सच्चा मुआ न कोई, दास कबीरा यूं में बहर न मरना होए। मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सौ सौ बार। ये है कौन सूरमा है जो जिंदा मरता है? बाहर तो वो सूरमा है जो लड़ाइयां जीते हैं घोर जीते हैं मुर्ख फतेह करें। मर गुदगा में वो सूरमा है जो मन को जीते हैं, कबू करे जिन मिल मारे पंच सूर। ऐसा कौन बली रे वो बहादुर है। हाँ हाँ जी शब्द मारे सोई जन पूरा सतगुरु आख सुनाए सूला। वो सूरमा वो जन पूरा है जिसने अंदर मन को काबू किया, मन से लड़े क्या की कुंडल सोई जाके हृदय वरना कोई उसके अंदर माल की माल का कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ जी सतगुरु सोई सूरमा मन से मांडे जूझ, पांच इंद्र पकड़कर दूर करे सब। जब तक इंद्र रोगों में फंसा हुआ है अंदर जा ही नहीं सकता। दस इंद्र का रखे वास ताकि आत्मा हो प्रकाश। ये मुसलमान की कहते हैं चूं जे हिस बैरू नानदार ने बाशित तस्वीर के अभियाज में। जब तक इंद्र भोगों से परे नहीं होता राजी तस्वीर को देख नहीं सकता। जब तलक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं तब तक साधु बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जो नहीं अकागर कर सकता अपनी वृत्तियां तिनको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं।
अच्छा, पढ़ते पढ़ पढ़ के चले गए, ख्याल ही नहीं किया करती क्या बानी। हाँ हाँ जी, शब्द मारे सोई जग पूरा सतगुरु आख सुनाए सुरा, काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे मन के मारने के लिए कितने जतन करो किसी से काबू नहीं आता। अगर आता है तो हर रस से अमृत पीने से। इसके अंदर वो अमृत का स्रोत अमृतसर है, प्राग है, हौज कौसर है, उसमें नहाए वो अमृत पिए फिर ही काबू आता है, कोई तरीका ही नहीं। हाँ, कहा इंद्र मन सब सच्चा मन पिए पास पाई हो, ये मेरे सदगुरु रामदास ने बनाया, ये रामदास का वचन है। अंत निम्र अमन सा नाया सदा सूची सा सुनाए। हाँ जी, पढ़ने में मुक्ति समझते हैं, पढ़ने में मुक्ति नहीं। जो वाणी कहती है उसके मुताबिक अमल करने में है, तब ते जीव भया संसारी छूटे न ग्रंथ न होए सफारी, सुरति प्राण सब क्यों हो पाए छूटे न अधिक अधिक हो जाए। उल्टा उलझ गया, पढ़ पढ़ के रह गया, वेद पाठ संसार की कार जिनकी लिव हर चरण में लागी ते विरंते भय त्यागी। हम रोज पढ़ते हैं पौड़ी है ऐसा के बार में, पौड़ी तो चढ़ा ही ना, पटपट गड्डी लग दिए, पटपट पड़ी सा, पटपट बेड़ी पाई है, पटपट गड्डी खार पड़ी जीते, बस बस पड़ी जीते, मास पड़ी जीती, आर्जा पड़ी जीते, सास सोचो पढ़ पढ़ने में रह गए हैं, ये छोड़ा किसी ने भी ना ना, ना लखमणा पकड़ कीजिए पाओ मसू तोड़ना आवे लेखन पवन चलाओ भी तेरी कीमत ना पवे हमके बड़ा खाना। सारे पढ़ने का मुद्दा क्या है, पढ़ना बोलना एक नवा बुझे को विचारे, फिर खूब पढ़ना खूब बोलना माया ना प्यार नानक बिन नामे कुछ थिर नहीं, पट पट हो अखबार पट पट के चले गए, या पढ़ते जाए या उपदेश करते गए, किसने सुन लिया किसने पढ़ लिया, बस इन्हें लिखा बक्ता हुए तो कथा सुनावे श्रोता सुनकर आवे, ज्ञान ध्यान की समझ ना कोई कह सुन जन्म गुमार, इन्हें कह लिया किसने सुन लिया, ज्ञानी गुरु है सो ज्ञानी जी ने शब्द लाई। सोच लो पहले दिन वाणी का ही पता नहीं, ग्रंथ में ही अर्थ अर्थ में भूल, इसका मतलब बोल डाक्टरी किताबें पढ़ी हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, डबल एम है, ट्रिपल एम, हम नहीं समझ सकते, डाक्टरी समझा सकता है। इसी तरह इस वाणी को भी वो फकीर जो अंदर जाता है वो बता सकता है, ये है क्या वेद ग्रंथ गुरु हाथ है जित लग पौजल पार उतारा, सदगुरु बाज ना बुझिए जित तेरे ना गुरु उतारा, जब तक वो आप ना आए या गुरु हो तो ना भेजे वाणी का पता नहीं चलता। हाँ हाँ जी, यही पीसा ने कहा है, 4:18:9 पढ़े खटपट खोया मूल, शुद्ध शब्द चिन्हने बिना जो पंछी चिंदूर, अब उस शब्द से नहीं लगी कोई खादा नहीं, चाहे चारे वेद पढ़ ले, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, जब सुर शब्द से नहीं लगी कोई खादा नहीं, चिंडोर की जाम की तरह पढ़ाई बोल बोल के चला गया बोलिया। हाँ हाँ जी,
समझाए कर जलते खबर न पाए कर जलते खबर न पाए जिन सतगुरु से जिन सतगुरु से काम न पा जिन सतगुरु भगवान सतगुरु सेवे नाम न पाइए जिन सतगुरु से नाम न पाए पढ़ता के शांत न आई है बगैर नाम के पर की शांति ना मिले मंत्र के बिना मित्र के विश्वास शांति तो नाम में है तो गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दस प्रभु दास इस विट चौकनियों में नाम करे प्रवास जैसा वकील मिले सब मेरे से जो नाम को पर करना सिखाए ये नाम को पर करे फिर शांति मिलनी है एक इधर फिर हुआ है लिखा है क्या नाम है अजरी जी का मन में सब भगे रे भाई बिना नाम नहीं सुख पाए हो छोड़ दे बुफलाई चाहे तीर्थ भी ना लो चाहे कुछ कर लो शांति नहीं शांति नाम के प्रकट करने नहीं है हाँ जी हाँ जी बिन सतगुरु से बात तो सीधी है दो हरफी सिर्फ दो हरफी बात है कोई काम की मिले मालती मेहर से उस रास्ता पर ही जपे अन्य नाम को पलट कर बस इतना काम है ये समझाने के लिए सारी बातें दुनिया ज्ञानों में उलझी पड़ी है इसलिए इतने मसाले देने पड़ते नहीं कोई बात ही नहीं नतीजा सारा यही है बस हाँ जिसके अंतर वैसे न कहा तिसकी सीख तेरे संसार हाँ जिन संतों ने प्रकट किया है सदगुरु को वो हमें सिखा सकते हैं हाँ जी हाँ बिन सतगुरु से नाम न पाए पढ़ता के शांत न आई है पढ़ता के शांत न आई है एक पसम लगाए तेरे पेट तारी एक पसम शब्द होवे कि न मारी बिन शब्द होवे कि न मारी बोल बोल भाई हाँ इक पसम लगाए तेरे बेखदारी बिन शब्द जिसको खात लगाते हैं भाषण लगाते हैं क्या हमें किसी सूरत की जरूरत नहीं घर घर मांगते फिरते हैं घर घर मांगते फिरते हैं एक फकीर हुआ हसन बसरी उसके पास एक आदमी आया कि मुझे कफनी दो कि क्या करेगा कि मैंने फकीर बनना है वो कहने लगा अगर किसी बीबी के आदमी के कपड़े पहना दें तो वो आदमी बन जाएगी कि नहीं अगर आदमी को बीबी के कपड़े पहना दें तो बीबी बन जाएगा कि नहीं तो कफनी पहन के तू फकीर कैसे बन जाएगा एक और आदमी आया कि लोगों को मल की तरफ ले जाने का आसान रास्ता क्या है वो कहने लगा लोगों को मर्द की तरफ भले ही लेके जाना कपड़े अपनी ओर न खींचना
महात्मा जी तो लोगों को अपनी ओर भी खींचता है। कैसे धर्म रोज बहुत है, इसलिए तो मैंने कहा है। क्यों बनाते हैं, क्यों भेष बनाते हैं? क्योंकि देखे रुख की राय कुछ दे, कोई इज्जत करे, कोई मान विदाई करे, इसलिए सोच लो। पूरी गुरु से ने देखो जितनी काट की है, हम पढ़े हुए सुनोगे। हाँ जी, जितने बड़े बड़े सच्चे ज्ञानी और महात्मा ने कहा, बात क्या दिखलाइए, अंतर जितने नाम कहा मोहल्ला खर्च सो, पड़ा धनी से काम, फिर काम तो धनी से, देखो से क्या मतलब। हाँ जी, हाँ, जितने बड़े बड़े सच्चे ज्ञानी और महात्मा हुए हैं, उन सब ने इन पक्षियों की असलियत को जाना, मगर जाहिर न किया और उनका पर्दा न उठाया। मगर अब हम साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि ऐसे दिखावटी कामों में भूल कर भी मन को ना लगाओ, इनसे मालिक नहीं मिलता। भूत बंचारी चित्तचौना, चलो आगे चल। हाँ, फिर विचित्र नाटक में, हाँ, फिर विचित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं कि ये लोगो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग शरीर पर बनावटी भेष धारते हैं, ऐसे पाखंडियों को मालिक नहीं मिलता। जो लोग पाखंड रचाते हैं, उनको परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। इसमें कोई परमेश्वर नहीं मिलता, चाहे कोई कहीं बोलता फिरे। जिन लोगों ने अपने मन को काबू में किया है, उन्होंने ही सच्चे सतगुरु पार ब्रह्म को जाना है। जिन्होंने मन को काबू किया है, उनको मिलता है। हाँ, जी, बस। हाँ, हाँ जी, एक पसंद लगा फिर। हाँ जी, एक पास में लगाए तेरे बैग तारी, इन शब्द हो मैं किन मारी, इन शब्द हो मैं किन मारी। अनदिन जाना का रहे दिन राती, अनदिन जाना का रहे दिन राती, परम देख परमाई है। तो सारे देख देखी इसी तरह सरते रहे, वो कहता हम बड़े, वो कहता हम बड़े, बड़े बड़ाई पाए का रो रो हंकार, सतगुरु के पर्चे बिना चारों बन से मार। चमड़े के पेख बनाए और क्या किया इसने, नीच नीच सत्तर गए, संत चरण लीन, जाति के अभिमान में डूबे काम बहुत करी, कोई नहीं पूछता मर्द दुगा नहीं। जब तक अंदर शब्द का रस नहीं लेता हूं, मैंने खत्म होती हूं, मैं बड़ी रुकावट है, मैं फलाना इसी में रह गया। यही पौड़ी है, हम बिचा हम बिच गया, हम जमे हम ये पौड़ी, कोई चढ़े ना, हमें छोड़ी ना किसी ने। कोई कहता मैं खालसा हूँ, कोई कहता सनातनी हूँ, कोई कहता राज स्वामी, कोई कहता सच्चे सौदे वाला हूँ, कोई कहता आर्या हूँ। सोच लो इसी में रह गए, बना कोई कुछ भी ना। कैसे बनेंगे, कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है, उनसे रोज से कहने लग जाते हैं, और जी डॉक्टर साहब बना तो नहीं, बनेगा तो जब कोर्स करेगा, ऊपर ऊपर से सब बन गए, कोर्स किसी ने भी ना किया। जोत को प्रकट करे तब खालसा बने, पूर्ण जोत जगह कट में तब खालसा दे में खाल जाने, ये जिंदा मरे तब सनातनी बने, सारे पाप निकले तब ये आर्य बने, नाम को प्रकट करे तब सच्चे सौदे वाला बने। सच्चा सरदार नाम है, सच बापारा राम, गुरमती हर नाम जी तो मूल पारा राम, एक का बाणी एक गुर एक शब्द विचार, सच्चा सरदार हर सच रत्नी पर पंजाबी, तो सब कुछ बन गया। फिर ऐसे वो क्या नाम है, निरंकारी बनते हैं, गुरुमुख राग स्वाद अंत आगे, गुरु एमत भक्ति जागे, अमर सुन मन मान्य शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी फिर बनता है।
कोर्स किसी ने भी ना किया। ब्राह्मण सोच ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों भास्कर झूठ न बाके, ब्याज नव हृदय में रखे, आत्मविद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मतलब न हो, चरणदास का ब्रह्म सोई। सोच लो ऐसी डिंगे में पड़ी है। जब मुगलिया खानदान का सवाल हुआ, क्या नाम था उसका, अखिली बादशाह था, वो किसी हैसियत का मालिक नहीं था, नादर शाह उन्होंने हुकूमत करता था, आखिर बड़े खानदान जाते तो थे, आपस में मिलते थे, फिर उन्होंने सलाह ठहराई कि अमीर तैमूर का तो खानदान कोई है नहीं, अपने आप में खानदान की विदाई करो। पहले ही उठा अमीर तैमूर से लेकर बाबर हुमायूं अकबर, सारा खानदान हमारा इतना बड़ा खानदान है। फिर वो खड़ा हो गया, उस खानदान तो है नहीं था, उसके चरण देखे कहने लगा, मैं हूं नादर शाह इब्ने शमशीर, इब्ने शमशीर, इब्ने शमशीर, तलवार का बेटा, तलवार का बेटा, सब जायदाद मैंने अपनी आप पैदा की है, ये है खानदान। अंदर जाए कुछ हासिल करे तब आए, कैसी डिंगे डिंगा में रहेगी सारी दुनिया, मैं फलाना मैं फलाना। कोर्स किसी ने मना किया? कोई नहीं पूछता माल की दरगाह में। हाँ हाँ जी अनदिन जाला दिन राती परम देख परमाई है, परम देख परमाई है, सब मेहनत कर करा के हम इसको परे रख दिया बस। कानपुर का एक ही संघ भाषा भी छो में भीत करारी बड़ी दीवार है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, मैंने ये किया मैंने वो किया बस खत्म। तीर्थ पर प्रदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने खुल जाते जो कुछ स्नान, किया किराया सब गया जब अहंकार। ये मुसलमान की कहते हैं म्याने आज को माशू खेल अनेश, तो खुद हो जावे खुद ही अब यहाँ बरफेश, तेरे और मालिक के दरमियान अगर कोई बड़ा पर्दा है तो खुद ही का है, इसको निकाल दे मालिक सामने है। हाँ हाँ जी अनदिन जाला दिन राती परम देख परमाई है। अगर अंदर शब्द को प्रकट कर ले, नाम को प्रकट कर ले, ना पर रस ले, फिर सब कुछ बन जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, डिंगे डिंगे कर ले। हाँ हाँ जी एक ग्रह मुताम मैं सदा उदासी, शब्द मुए हर नाम निवासी। कभी एक तो वो आज पढ़ने पढ़ाने में रह गए, दूसरे तेखों में रह गए, एक वो घबर छोड़ के जंगलों में गए, राजगढ़ पर मन तो हर जगह जाकर अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेता है, जड़ पर जंगलों में व्यर्थ को सहकाने के लिए। अब जब तक रस ना आए अंदर है, कोई ना कोई साथी मांगता है, दर के पास ही बैठ जाएगा, किसी आदमी के पास ही बैठ जाएगा, वहां एक मिर्गिनी आने लग गई, मिर्गी से प्यार पड़ गया, मिर्गिनी मर गई, उसके वियोग में वो मरा, मिर्गी जी नहीं मिली, क्या फायदा उसका छोड़ने का। सोच लो कहते वो है कि ग्रह खुटाम में सदा उदासी, बाल बच्चों में भी रहते हैं, मल की मौज में रहते हैं, ना किसके मरने का गम है, ना पैदा होने की खुशी है, सदा उदास रहते हैं, लेने देने भी खत्म करते हैं कि एक दिन बाद मौत में आना है, मैंने जाना है, कुछ कर लू। हाँ हाँ जी हाँ एक ग्रह क्रम में सदा उदासी, हाँ शब्द हुए हर नाम निवासी, अंदर सच्चे नाम को जिंदा मारते हैं, प्रकट करने का जतन करते हैं। हाँ हाँ जी एक ग्रह गुदाम सदा उदासी, शब्द हुए हर नाम निवासी। वहाँ घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, जिनका मंत्रित सदा रहो जहाँ चित लाए, घर बार देख सा डारी दुर्गा खाए,
की घर के बाहर जो चित्ता वे नाम दोनों में बराबरी के जंगल के ग्राम जग रहो जग के लग रहो जोग युति की रीत दुल्हन हृदय नाम से लाई रहो दृढ़ इसका नाम त्याग है। हाँ हाँ जी अनदिन सदा रहे रंग रात पाए भगत चित लाई है। वो दुनिया में काम भी करते हैं उस पे बैठते चलते फिरते माल की तरफ क्या रखते हैं सोए बैठे खड़े होते हैं हम बैठ खाने एक मिनट भी नहीं भूलते। एक खिन पल विश्व तो स्वामी जानू वर्ष 50 साल हो गए तो 50 साल का वक्त पड़ गया दोनों काम करते हैं ये भी करते हैं चलते फिरते लगे रहते हैं। गुरु नानक साहब के पास एक पेखी आ गया उसको समझाया कि देखो मैं नहीं ये तो प्यार छोड़ने में है दिनों में रहते हुए त्याग करे क्या त्यागना था त्यागना त्यागने का काम पर लोगों का त्यागने ही त्यागने में है गृहस्थ में रह कर भी हो सकता है ये लेन देन खत्म करने हैं कहने लगे ऐसा कोई दिखाओ कि फलाने शहर में भाई लालो उसके पास चला जाए। भाई लालो के पास गया वो सीढ़ी बना रहा था ना बोरी की तार सी रहा उसको खाट पर बिठा दिया वो लगा रहा कहना थोड़ी सी ठहर मैं तेरे से बात फिर करता हूँ। उसने सोचिए तो नित्य संसारी अब टूटे फूटे बोरी हैं इनको सीरा है फिर सीढ़ी बना ली फिर सामग्री ले आए उसको कोई बात तो है पूछा ये क्या कर रहे हो कि मेरा लड़का मुकलावा लेकर आ रहा है वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया उसका बंदोबस्त कर रहा हूं कि जब तुम्हें पता था जैसे मरना है उसने उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया क्या तेरा दुश्मन था कहना जो मालिक ने करना वो तो करना ही है उसकी रजा में रहना पड़ता है। वो नाराज होकर चला कहता अच्छा भाई तू बंदोबस्त कर ले 4 दिन को तुमने इस दरख्त की आकर फांसी इस दरख्त के साथ आकर फांसी चढ़ना है। उसने कहा तुझे ऐसी नहीं बात हो खूब दौड़ा 4 दिन खूब दौड़ा 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 जब फिर रास्ते में कहा आगे लेट गया थक गया जल्दी उठा फिर दौड़ा आगे वहीं आ गया उल्टे रास्ते पर के रास्ते में जगह से लेटा तो चोर लूट के आए थे माल उन्होंने माल बांटा एक हार रह गया उन्होंने कभी हार कीमती है इस तोड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता ये साधु पड़ा है इसके गले में डाल दो उसके गले में डाल दिया पुलिस ने उसको पकड़ लिया पुलिस ने पकड़ लिया है आके वहीं उसी तरह से नीचे आ गया। मैंने कहा ये बात तो सच्ची हुई फिर भाई लालो से उससे पूछा भी किससे मिलना है भाई लालो से मिलना है लालो से कहने लगा बात तुम्हारी ठीक है अब बचाओ किसी तरीके से गुरु नानक साहब के पास मैं तो बेनती करता हूँ उसको कृपा ने इतने में चोरों ने देखा भी साधु था बेचारा मारा जाएगा उन्होंने अपना चोरी पवाल कर ली सुख बेचारे का छुटकारा हो गया सुई है जो होना है सो होना है जो किस्मत लिखवाए हैं वो जरूर मिलना है दुख सुख भी भोगने हैं कर्मों के हिसाब से साथ ही छुटकारे का बंदोबस्त करें अंदर नाम है शब्द को प्रकट करने का जतन करें। हाँ जी हाँ पैर पाओ पवित चित लाई है हर वक्त मालिक का डर रखे मालिक को मिलने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं पाओ और पाओ डर और प्रेम अगर डर है तो प्रेम है तो डर है वो हर वक्त डरते हैं कहीं मालिक नाराज ना हो जाए कोई गुनाह ना हो जाए नारे अचेत पाप से डर रहे अचेत पाप से भी डरते हैं लेकिन आजकल किसी को डर ही नहीं मालिक कैसे मिले। हाँ हाँ जी हाँ अनदिन सदा रहे रंग राते
मनमुख निंदा कर कर दीगा अंदर लोभ हो गए जिसको दस कुत्ता हूँ फिर बोल हूँ मनमुख निंदा कर कर दीगा कुत्ता हूँ अंदर विमुदा अंदर लोभ होकर जिसको गुरुओं का हाल क्या कर मनुख करवाते हैं कि मनमुख है गुरु से निंदा में लगे पड़े हैं लोग मानदेही के लिए एक दूसरी निंदा करते हैं अपने झूठ को सच बनाने के लिए सैकड़े प्रेम करते हैं फलाना यूं है फलाना यूं है फलाना यूं है बुरे कर्मों में माया के लिए मान बुढ़ाई के लिए एक दूसरे कत्लो खून करते हैं निंदा कर करके तुमने काली हुई पड़ी है बाहर बाहर रह गई हाँ उनका फिर हाल क्या होता है जमकार तो मौत आती फिर पता चलता है जिस जिस लोग के लिए झूठ बोला निंदा चूली की वो भी यही रह गए समान मानते ही यहाँ रह गई दिन दुते घर वाले फिर तकलीफ डाल पाता है फिर उठता है चलाता है फिर पिछताता है फिर क्या बनता है हाँ हाँ जी अंत गया कछताई है सच्चे शाबाद सच्ची बात होई सच्चे शाबाद सची पत बिन नावे मुक्त न पावे बिन नावे मुक्त न पावे कोई ये माया का देश है इसमें माया वाली कदर है अगला देश सच्चा सच्चा है मां सच्चे नाम की दौलत वाली कदर है बगैर नाम की मुक्ति नहीं छुटकारा नहीं जी हरे वाला नाम का और जी कंत राम ने तेने भव जाम का कह तुम सुनो नर भाई राम नाम दिन किन गत पाई जितने कर्म धर्म है ये ठीक है उनका फल अच्छा है लेकिन मुक्ति नहीं छुटकारा नहीं कोई बंधन है कर्म धर्म सब बंधना पाप उन संबंध ममता मोह सब बंधना पुत्र सब धन जहां देखा था जीवरी माया का संबंध नंद सचे नाम दिन बढ़ते करते हैं कोई कुछ कर हाँ अरे इसको हाँ अच्छी चीज मिल जाएगी स्वर्ग तक भी पहुंच सकता है लेकिन छुटकारा नहीं मुक्ति नहीं जन्म के बंधन नहीं छूटते हाँ हाँ जी बल्कि तो रास्ते में रूप लेते हैं जिंदूत कर्म धर्म पाखंड जो दिशे तीन जन जागाती लुटते निर्वाण कीर्तन गावो करते का निम्न से मुझे झूठे निर्वाण कीर्तन नाम का हो सच्चे शब्द का हो सच्ची वाणी का हो उसका छुटकारा है बाकी जो रास्ते में लुट लेते हैं जब लेकर जाते हैं तंग गली है बुरा हाल है वहां जो आगे पीछे हैं चल चल लगी पड़ी है वो कहता थक गया आराम करना है थक गया जैसे यहाँ को पुलिस वाले पकड़ के ले जाए वो तो मैं थक गया अच्छा भी तेरे पास पैसे हैं तो जीप कर लेते हैं
भूख लगी है सिर्फ पैसे से रोटी खा देते हैं, प्यास लगी है पैसे से देख थाने तक जाते जेब खाली, इसी तरह वहां भी हाल है, वहां भी यही हाल है। कितने ऐसे अच्छे अच्छे कर्म रास्ते में डूब लेते हैं बुद्धि। हाँ जी सच्चे शाबादा सची पत होई जिन नाम न पावे कोई, जिन नाम मुकद न पावे कोई। पुलिस पकड़ के ले गई पैसे तो खत्म हो गए, जो उसके अंदर जिद्दी है वो तो नहीं खोज सकते, इसलिए नाम इसी तरह नाम की भक्ति नहीं वो ले सकती, इससे डरते हैं बस, इसके नजदीक ही नहीं आते, इसके नजदीक ही नहीं आते, इस भक्ति क्या थोड़ी है इसके नजदीक नहीं आते, इसके सुन भी हो इसके नजदीक नहीं आते। प्रतिशन दूत से प्रतिशन का पर अरे जो कोई संत संत के दागी तिनते काल दूर भागी, जम की जाल मित नहीं आवे मार्ग छोड़ अलग हो जाए, इसके नजदीक नहीं आते, क्या थोड़ी है। जिन्हें सदगुरु से चित लाया सुखाली कोई ना, तेने जम की तलब ना होगी ना वो दुख सहाय। ये महकमे लग गया, काल का महकमा अंदर और सदगुरु का दोनों है, जैसे हरियाणा का सेंटर का है, सेंटर का मुलाजम हरियाणा में हो गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सदगुरु के महकमे में जो आ जाए ये काल कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ जी हाँ सतगुरु नाम की भक्ति करता है ये अलग चीज है, सबसे ऊंची भक्ति है। शब्द आता है लक्ष चौरासी जी अर्जुन सिंह से राह न्यारी हो शायद है ऐसा बंद किया कबू न हो हारी हो, हारा तो उसी मैच में हारा, महकमा लग गया पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, जो मैं हारू राम की जो जीतू तो राम, जीत गया तो माल करू बनी गया, अगर हारा तो उस महकमे को हारा फिर उठेगा। हाँ जी ये महकमा लग गया सतगुरु वाला काल का लग गया। हाँ जी हाँ जी काल का तल्लुक की तो सबको खा गया किसी को नहीं छोड़ा, शब्द आते हैं एक दिन भोगड़ा सिरे एक दिन काला सिरे, तीन लोग और चौदह भवरे इस गोकुट का राज आया अचानक में पकड़ेगा जो चिड़े ने बास, इस गोकुट ने संता पकड़े करो भजन से कठो, इस संतों का काबू आता है उसके बैक में दखल नहीं देता। हाँ हाँ जी उनके जीवों को जल्दी हाथ नहीं लगाता। हाँ जी हाँ सच्चे शाबाद सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई, बिन नावे सतगुरु को नाम न पाए, प्रभु ऐसी गणत बनाई है। बात सतगुरु ने अपने हाथ में रखी किसी की नहीं, जिसको देना चाहता है कर कृपा, जिस अपने नाम लाए नान सोजन चौथे पद में कर लाए ये उसकी मेहर पे है, फिर कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कौन नाम से सुख होया किस तरह बाजे। हाँ हाँ जी बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभु ऐसी गणत बनाई है,
सब ऐसी बणत बनाई है। इनकी बात समझने की, गवर्नमेंट ने आपको बिजली दे दी, इससे बल्ब जला लो सूख ले लो, टीवी चला लो सूख ले लो, हीटर चला लो सूख ले लो, पंखे चला लो सूख ले लो, कारखाने चला लो सूख ले लो, ठीक है। अगर हाथ लगाए साढ़े की भी काम दोनों किए, इसके वो राम नाम की करंट सबके अंदर है, हमें लगाया उसको काम को लो कार के इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शिव क्षमा संतोष विवेक तीन तकलीफी पिता अंदर शांति आ जाए, जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी रूई का, किसी प्लास्टिक का, किसी जूतियों का, किसी कपड़े का, बगैर करंट तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, भगवान ने लिखा है जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों का करता है पितरों के पास जाता है, देव देव का उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें इसका ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़े जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े हैं, तो कहां जाएंगे, हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इस तरह ऐसा फकीर मिले जो नाम कंठ को पकड़ना सिखाए, ये नाम को करे, उस कंठ को पकड़े, वो सीधी सड़क है जनरली सड़क है, मर्द गांव में पहुंच जाए, सारी दुकानें खुले, जो मर्जी कर लो, काम तो उस कंठ नहीं करना है, जो मर्जी उससे काम ले लो। नरक में जाना है वो विषय भोगो, भूत बनना वो कर लो, पितर बनना वो कर लो, देव देते करना वो कर लो, छुटकारा करना चाहिए। हाँ हाँ जी, बिन सतगुरु को नाम न पाए तब ऐसी बणत बनाई है, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी। सारी बातें खोल दी, पढ़ने पढ़ाने खोल दी, देखने खोल दी। आप क्या कहते हैं, एक वो है जिन्होंने सिद्धों के कठिन कोर्स किए, उनसे उम्र लंबी हो जाती है, सीधे सीधे आ जाते हैं, लेकिन शांति नहीं, मुक्ति नहीं। जो सिर्फ आसन 84 ये भी कर कर रहा, ग्रंथ साहब लिखते हैं वड्डी आ जा फिर जन्मे हर सुसंग में गया। हमने एक योगी देखा वहां लाहौर में, एक गीत की थी उसकी जीत थी, अंदर कर लेते हैं सांस बंद कर लेते हैं, लंबी उम्र हो जाती है, कुछ भी नहीं। लंबी उम्र हो फायदा क्या हुआ, जीना थोड़ा ही बना, जो गुरु का स्मरण हो लाख वर्ष का जीवना लिखे धरे न कोए, जल्दी सीधे सब धोखे हैं। ये पखंड है, ट्यूशन लिखा पखंड में कुछ ना ही रे साधो, पखंड में कुछ ना ही रे, पखंड या ना भोगे 84 खोज करो घटना ही रे, दे बदल ले कुछ और कर ले, सब पखंड है, कोई नहीं पूछता मातृगा में। जी मुसलमान की कहते हैं अगर बारा हवा परी मत से बाशी, अगर बारा आप रवि खसे बाशी, जल पर प्रस्तार कसे बाशी। अगर तूने हवा में उड़ना सीख लिया है तो मक्खी भी उड़ती है, अगर तूने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि पानी पे बैठा डूबता नहीं, एक दिन का भी जा रहा है, इस मन को काबू कर, इसको मन को काबू कर, ये सही है। पंखी हो कि जे भगवान सहस मानी जाओ, नदी किसी ना आवी ना पिया ना खाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हाँ फिर बड़ा खाना हो। पंखियों को सारे आसमानी खबर ले आए, बगैर खाए पिए जिंदा रह जाए, फिर भी ना समझो उसके पास नाम आ गया, वो बड़ी ऊंची चीज है। हाँ हाँ जी, हाँ
कहते हाँ एक वो है निश्चितों कोष किए, एक वो है जो उठते बैठते चलते फिरते नाम से नाम के प्रकट करने का जतन करते हैं, वो रस लेते हैं। हाँ हाँ जी बहुत विचारी सीधी सी दिखाए सारे दिन उठ पड़ेगी, सब धोते हैं सब ठगी है, और उनका जो आगे हाल होता पूछो ना, और उनको तो क्या वो पत्थर धरती में जिन्होंने जाते हैं फिर जाके। हाँ हाँ जी हाँ एक अहनस नाम रते निरंकारी जिस नाप मिलाए सरूच जिस नाप मिलाए सरूच भगत पाए ये जिस पे मेहर करे, किस पे मेहर करता है जिसको सच्ची तरफा सच्ची लगन है सच्चा प्रेम है माल के मिलने की तरफा है। सच कहूं सुन लो सभी जिन प्रेम की ओर तिनी तरफ पाए ये प्रेम का मार्ग है। जैसे मीरा ने क्या क्या हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने को है, क्या दर्द था उसको क्या तकलीफ थी, राजपाट उसके पास नौकर चाकर उसके पास हकीम डॉक्टर उसके पास जाने कपड़े क्या कमी थी, मल के मिलने तकती फिरती थी उस मार्ग में मेहर की अरदास मिल गए छुटकारा हो गया। तो बात करते अब मैं कौन उपाय करूं जब मन को संसार चुके भवन पार करूं जन्म पाए कुछ भलो न किन्नो काते अधिक डरूं कौन सा भला ये बाहर वाला नहीं ये तो बंधन है आत्मा कल्याण नहीं हुआ जिन्हें तर्क से पुकारा उस पर मेहर करता है ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम बराबर योगना प्रेम बराबर ज्ञान प्रेम भक्ति बिन साधु सब इत कर ध्यान प्रेम चिड़ावे जज को प्रेम मनावे राम प्रेम करेगा कौरी ले पंचे हरदान सारी दुनिया पंखों पंच पंथों पंखों में फंसी पड़ी है प्रेम से खाली है पंथा प्रेम न जानी भूली फिरे गुमार नान खर विसराय के कौन देना कंधार। हाँ असी तेरे असी चीज छोड़ दी इस सच्चे तल वाले की चीज। हाँ जी हाँ उस पर मेहर करता है। जिसना आप मिलाए समूझे ये प्राणी भक्ति है जिसकी कई कई जन्म दी वो आता है ऐसे नहीं और छोटी सी बच्ची है कहाँ खड़ी दिखाओ ये लाइए नहीं तो पढ़े फुट ये बोलो फूल क्या कहते हैं फूल वाले डेडी के पास जाना है। अरे ये लाइए ये प्राणी भक्ति है कई है यहाँ बच्चे हाँ भाई चलो देख लो कि चलो वहां हाँ जी चलो भाई हाँ अरे बल कि जाएगी चलो बैठे हाँ देख लो भाई ये लाइए हमको हाँ कि चलो वहां बोलो हाँ जी बोलो भाई देख लो बैठ जा चलो जा रहे हाँ या माता के पास हाँ देख लो हाँ जी भाई कई बच्चे हैं वो लाते हैं। हाँ जी ये प्राणी भक्ति है कई की जन्म लग जाते हैं। हाँ जी हाँ पाए हो
स्नान दान करे दिल पूजे स्नान दान करे नहीं बूझे एक मनवा मार मने सोनूझे। तीर्थ पे जाते रहे परी हाथ का कंधे पानी धोते उसके मुंह प्रीति कपड़े हो साबण ये तो है परी मत पापक सन वो तो का नाम आते नाम के तीर्थ में ना है तब है मैडम कोई पता नहीं तन के जरिए चोरी करते हैं जनाकारी करते हैं जीव हिंसा करते हैं दूसरों को दुख देते हैं मन के जरिए फजूल बुरे संकल्प उठाते हैं ईर्ष्या द्वेष त्राय रोध इन मैडम को पता ही नहीं वजन के जरिए झूठ बोलते हैं कड़वे दूसरों के दिल सताते हैं निंदा चूली करते हैं माया के साथ अशुद्ध से बदकारियों का सामान खरीदते हैं सिर्फ जो मालिक में लगाने से मोह माया जल प्रदर्शन इन मैलों को पता नहीं बड़ी बड़ी ताकतें मैली हैं जिनको हम पूजते हैं जब तक अंदर शब्द का रस नहीं आता मैल नहीं जाते शब्द मिले से सुच्चा सारी दुर्गा माने मैला ब्रह्म मैला इंद्र मैला राम मैला है चंद मैला मलता सब संसार इखा निर्मल जा का अंत न पार कह कबीर ते जन प्रवाह निर्मल तेज रमे जान जिसने रमे ताथ नाम को शब्द प्रकट किया वो निर्मल है बाकी सब मैले हैं। हाँ हाँ जी ये कुंदन करते हैं उसका फल क्या है जिसको देगा उसके लेगा हाँ जाल जाल स्वर्ग में चला जाएगा अच्छे कर्मों का फल खत्म हुआ फिर चौरासी तैयार है इसके लिए विष्णु भगवान ने लिखा है हे उदो ये जो कीड़ा जा रहा है ये कैसे सुखमुख राजेंद्र बना कैसे शिष्य का कर्ता ब्रह्म बना आज ये कीड़ा है फिर उन सुखों का क्या फायदा पढ़ते देखो विशिष्ट हो क्या लिखा है। हाँ हाँ जी स्नान दान करे नहीं बुझे एक मनवा मार मने सोनू सन लिखा है जो ये बिचारे रहे कोई काशी सार शब्द में नियम पर बासी नीम शार बद्री पर दाना ब्याह द्वारका प्राग स्नाना अवसर तीर्थ भूख पर कर्मा सार शब्द में मिटे न धर्मा बस खत्म सब। हाँ कितना नहाला कितना कुछ कर ला। हाँ जी सचे शब्द रत एक रानी सचे शब्द मिलाई है जब तक सबसे तलब नहीं पड़ता मल के काम नहीं जा सकते बस फैसला ये सचे शब्द रत एक रानी सचे शब्द मिलाई है आपे सिर जे देवड़ियाई आपे सिर जे देवड़ियाई आपे पाने दे मिलाई आगे आपे नजर करे मन वासे मेरे प्रभु फरमाई है सब कुछ मालिक ने अपने हाथ में रखा है आपके सब आपका प्यार आपके थापे थापे आपके देख दूसरा प्यारा कर चोर के प्रभाव पे आपके बंटन सब का प्यारा चरे चरे में है आपके गुरु में जाते आपके गुरु में चोला पहनता है आपके सिंगी नादा प्यारा धुना बजाए आपे आपके सदगुर आपे चेला उपदेश करे प्रभाव आपे आपके नाम जपाएंदा प्यारा आपके ही जब जाते ये उसकी अपनी मौज है जिसको बख्शे उसने अपने हाथ में रखा है दुनिया ऐसी ठेके लिए बैठी है। हाँ हाँ जी हाँ कभी मैं कहा आपके दारमदारी मेरा सब आपके खेल खिला रही हो। हाँ हाँ जी हाँ आपे सिर जे देवड़ियाई
जन साचे मन मुख सेव न जानन काचे। मन पूरा में सच्चे सच्चे कौन है जो सतगुरु से सतगुरु में प्रकट करते हैं, जो मनमुख में बाहरी बार रह गए, जिन्होंने जड़ों में बाल बच्चों में कौम मजमे के झगड़ों में देशों के झगड़ों में न इसके देश है न इसकी कौमें हैं, पता नहीं कैदा पल्ले हुई कैदा महा पल्ले हुई फिर बन जाए दे अच्छे ठेके लिए बैठा है, पता नहीं किस किस देश में पैदा हुए हैं, किस कौम में पैदा हुए हैं, किस किस जून में गए हैं, कीड़े पतंगे बने हैं। हाँ हाँ जी, सतगुरु सेवा ते जन साचे मन मुख सेवा न जानन काचे, मन मुख सेवा न जानन काचे, आपे कर 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 वेख जो पावे जो जाई है। ये मालिक ने अपने आप हाथ में रखा है, जिसको चाहता है इस भक्ति में लगाता है, उसकी मौज है, वो देखता है इसकी इस स्तर पर उसको लगाता है, हमारे ख्यालों के मुताबिक है सारे। हाँ, इसको सच्ची तल पर सच्ची लगना है उसको लगाता है। हाँ जी, आपे करता कर कर वेख जो पावे जो लाई है, जो पावे जो लाई है। जुग जुग साचा एको दादा पूरे पाग पूरे शब्द पछाता। तो दुपहियों से एक ही मालिक का है, मिलता कैसे है? शब्द को प्रकट करने से, नाम को प्रकट करने से, और पृथ्वी का ही नजरिया ही नहीं। हाँ, जिस नाम से तल्लुक पड़ गया। हाँ, शब्द मिले से बिछड़े नाही नगरी सहज मिलाई है। बाकी भक्तियों का फल है, वृंदान का फल है और भक्तियों का है, मगर जन्म के बंधन नहीं छूटते। जिसका शब्द से तल्लुक पड़ गया वो सीधे सर के मध्य विधान पहुंचेगा सहज अवस्था में, शांति शांति आनंद नंद प्रेम ही प्रेम है, मां सतगुरु रहता है जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं, नंद दया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह से मन वजिया बताइया राग रतन परिवार पर शब्द का बनाई है। जिसके शब्द तल पर मर के दया में गया। हाँ जी, शब्द मिला से बिछड़े नहीं नगरी सहज मिलाई है, नगरी सहज मिलाई है। मर मर जम पाया बार हमें और माया का खेल है, मेरी जमीन मेरी जायदाद मेरे बाल बच्चे मेरे काम मेरे मजो ऐसी ठेके लिए बैठा है, जहां जहां ख्याल है वहां जाता है, बार बार जमता है मरता है। ये ख्याल इसको चुरासी में लिए फिर रहे हैं, रात भी अर्ज की थी पहले तो तन का प्यार है, मरने की कही वह खुल खुल करता को रोटी नहीं अच्छी तरह देता फिर भी कहता मरूंगा, तन ना छोड़ो, क्योंकि तन चाहते इसको तन मिलता है, फिर ख्यालों के मुताबिक अंतकाल जो लक्ष्मी से मरे ऐसी चिंता में जब मरे सर्प जुन वालों उतरे मैं जोड़ी है उस तरफ ख्याल है, कहां जाएगा शाम बनेगा तन भी मिल गया बैठ जाए पेट भर ले। मतलब चंद्रदास ने कहा दे जो मर जाए तब वो बैठे नाग
नारी में जो चित्र है हो है कुप्रकार, अंत काल के लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो रहे हमारे सूर्य वाले सूर्य की जुन्नी सोचना इसी तरह धक्के खा रहा है। जिसका सदगुरु की तरफ ख्याल होगा वो सदगुरु के पास जाएगा, बस बात रही है जहाँ ख्याल है यही है। हाँ हाँ जी जहाँ असता हुआ सा गति नंत मत सोई गता। हाँ हाँ जी ओ मैं माया मैल कमाया मर मर जम दूजा पाया बिन सतगुरु से मैं मुकत न होई मन देखो निवलाई है। ये फैसला है बस बगैर सदगुरु के कोई छुटकारा नहीं। जब तक अंदर सदगुरु को पढ़ नहीं करता नाम कह लो शब्द कह लो शब्द गुरु कह लो जब तक छुटकारा नहीं। हाँ हाँ जी बिन सतगुरु सेवे मुकत न होई मन देखो निवलाई है मन देखो आई है। जो तिस पास